मेरे तो खैर ज्यादा मामला जो डीलिंग से नहीं, सो आई नेवर इवन कंपेयर्ड कि पाकिस्तान, क्योंकि मुझे तो पता पाकिस्तान में क्या मामला था। आम बंदे का IQ इस्लाम में 0 है, वो अभी तक बरकात से बाहर ही नहीं आ सका इस्लाम। कुरान पाक को हाथ लगा के कुरान पाक को मतलब उसका फायदा उठा रहा, जैसे वो कोई रेडियो एक्टिव पत्थर है और हाथ लगाया करके कुरान रख दिया। ये दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं करता सिवाय गीता के फॉलोअर जो कुरान पे आ गए, क्योंकि गीता के साथ ऐसे करते थे हम, अब कुरान के साथ ऐसे करते। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान के कल्चर में कुछ चीजें हैं, तो जाहिर है बाकी के मुल्क भी कोई इतने आसमान पे नहीं पहुंचे हुए कि जिन सहाबी पैदा हो रहे हुए उधर, बट कंपेरिजन में आपको पता चलते हैं आप 32 लाख बंदों मिलते हैं कि मैं हाउ एम आई। और जब भी आप हज में पाकिस्तानी वापस आता है और सबसे पहले दरवाजा खुलता है सोफे पे बैठता है और कहता है ये हबशी ने ना ये ऐसे करके सच करते यू लाइक दैट्स ऑल या दैट्स ऑल आप जमजम खड़े होकर पीना दैट्स ऑल जी दैट्स ऑल। सोमालियन औरतें बहुत वैशी होती हैं, ठीक है, और सूडानी औरतें धक्का देती हैं, हड्डियां तोड़ देती हैं, और अरबी औरतें कुरान पाक जमीन पर रख के पढ़ रही होती। सोचें, ये वो जुमले हैं जो हाजी औरतों ने मुझे खुद बताए हुए। मेरी खलाएं पुफियां, ठीक है, ये हाज और हाजी जो पाकिस्तानी वापस आते वो भी तकरीबन ये बताते हैं कि चलो इतने हज़ार पत्थर मार आए हम शैतान को, मैं तो चप्पल शैतान को। अफ्रीकन जो है वो ज़्यादा माइटी है, कोई रास्ते नहीं देता, वहाँ पे लड़कियाँ देख रहे होते हैं लोग आकर अल्लाह के घर में, वो लड़की देख रहा, वो लड़का देख रहे, अल्लाह को कोई नहीं देख रहा, लड़का ही है ना जिसको जो लड़की देख रहा था आप उसको देख रहे थे, मतलब काबा सामने खड़ा है, आप ऐसे बंदे को देख रहे हैं जो लड़की देख रहा है। ये हज से वापस आके ये मामला था पाकिस्तान, और सबको पता कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ना जो वैल्यू है ना इस्लाम की वो कहीं नहीं है। ये भी हाजियों ने मुझे बताया, क्यों? क्योंकि कुरान पाक जमीन पे खोल के पढ़ते और आप हम सर पे रखते पढ़ते नहीं, वो जमीन पे रख के पढ़ते हैं, हम बंद करके सर पे रखते। सो फर्क तो है, इसमें तो मानना पड़ेगा, ठीक है। बीच में ना 200-400 लेवल्स से कि वो हमने सोचा ही नहीं कि क्या करना था, कि कुरान पाक खोलने के लिए क्या तरीका कार थे, और बस यही किस्से। और कुछ किसी ने और कोई ऐसा किस्सा कहानी सुनाई? सलमान अलाउदा किधर है इस वक्त? हज के दौरान ही हुआ ना वाकया उनके साथ। अब्दुल अजीज तरीफी को क्या हुआ? हज में ही हुआ था, पता आपको? नाम सुने सलमान अलाउदा का नाम नहीं सुना? सो द रियल प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स एंड वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ समथिंग एल्स। सो सोमाली औरत कितनी वैशी है, मुझे किसी औरत ने इसलिए बताना है कि कहीं मैं कल सोमाली औरत से शादी तो ना कर लूं। इसके अलावा क्या फायदा है कि मुझे सोमाली औरतों के बारे में पता है या सूडानी आदमी के बारे में? व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम दैट सोमालियन सॉल्व? नो वन नो। सोमालिया ने वो कारनामा करके दिखाया है जो पाकिस्तानी पिछले 70 साल से रोज वाकया हो रहा है, वो सॉल्व सोल्यूशन नहीं लेके आया। सोमालिया ने ऐसे करके दिखा दिया, अफगानियों ने करके दिखा दिया, जर्मनी एक दफा कोशिश कर चुकी है, फिर दोबारा से एग्जैक्ट वही सिनेरियो जो यमन में सोमालिया के साथ हुआ था, यमन में अभी हुआ। केस स्टडी है हमारे पास। आई एम नॉट गोना से चेचनी ने भी करके दिखाया था, बिकॉज चेचनी के साथ हम कह सकते हैं ओ यू नो व्हाट एवरीबॉडी केम इन टुगेदर, बट एटलीस्ट हमें पता सोमालिया नोबडी हेल्प देम, दे डिड इट ऑन देयर ओन। ये बात सोमालिया की नहीं कोई पता, ये पता है कि वो हज ऐसे करके करते हैं।